करीबन 9,75,00,000 रुपए की हमने मानी है मिनिमम। इसके अलावा बहुत ऐतिहासिक पहल हुई है आज की बोर्ड की बैठक में। मैं उपाध्यक्ष जी को और सारे सदस्यों को बहुत बधाई देता हूँ। सबसे पहले तो हम 5,00,000 रुपए का हमने अलग से बजट में प्रावधान रखा है चिकित्सा शिविर खोलने के लिए यहाँ पे किसान भाइयों के लिए, और जिसके लिए हमने 3 जिलों में कमेटियां भी बांट दी हैं हमारे सदस्यों की। बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल वो जाएंगे, जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे। कुमाऊं की सबसे बड़ी हल्द्वानी मंडी में बोर्ड की तीसरी बैठक हुई, जिसमें नए साल के बजट के साथ किसानों के लिए कई योजना भी प्रस्तावित की गई। शासन के निर्देश और जिलाधिकारी के आदेश पर गोरखपुर की खाद्य सुरक्षा की टीम ने आज त्योहार को मद्देनजर रखते हुए कई जगह कई दुकानों पर छापेमारी की। गोरखपुर गोरखनाथ थाना क्षेत्र के धर्मशाला बाजार में आज 3 दुकानों पर खाद्य सुरक्षा की टीम ने शासन के निर्देश और जिलाधिकारी के आदेश पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान खाद्य सुरक्षा की टीम ने तीनों दुकान से खाने पीने की सामान का सैंपल लिया, जांच के लिए भेज दिया। छापेमारी करने गई खाद्य सुरक्षा की टीम ने यह दावा किया है कि त्योहार तक यह छापेमारी की जाएगी। नशीली दवा और ड्रग्स मामले में पंजाब पुलिस ने आज यूपी पुलिस के पूर्व डिप्टी एसपी कृपाल सिंह के अशोक वाटिका स्थित उनके आवास पर आज सुबह दोबारा छापा मारा और जांच के लिए उनकी कार को अपने कब्जे में ले लिया। आपको बता दें कि इस मामले में पंजाब पुलिस काफी समय से मेरठ में डेरा डाले हुए थी और इस मामले में कल कृपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। मामला जिरकपुर में पकड़ी गई हीरोइन की खेप से जुड़ा है। इसमें ओलंपिक पदक विजेता बॉक्सर विजेंद्र का नाम भी काफी उछला था। पिछले दिनों पंजाब के जिरकपुर में भारी मात्रा में हीरोइन बरामद की गई थी। इसके बाद से पंजाब पुलिस मेरठ में डेरा डाले हुई थी। अधिकारियों के अनुसार पंजाब के फतेहगढ़ साहेब थाने में रिटायर्ड सीओ कृपाल सिंह और उनके संभल के असमोली ब्लॉक के प्रमुख बेटे अनुज के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट में मुकदमा दर्ज है। दोनों के गिरफ्तारी वारंट जारी हैं और वह उसकी तामील करने आए हैं। नारकोटिक्स ग्रुप की दवाओं की सूचना पर पंजाब पुलिस की स्पेशल टीम ने 10 मार्च को रोशनपुर डोडली में अनुज सिंह की फ्रांसीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दवा कंपनी पर भी दबिश दी थी। फिलहाल पंजाब पुलिस के 20 अफसरों की टीम ने यहां डेरा डाल दिया और 3 दिन की मेहनत के बाद उन्होंने अशोक वाटिका इलाके से यूपी पुलिस के एक पूर्व डिप्टी एसपी कृपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कृपाल सिंह का बेटा फरार हो गया। ताज नगरी आगरा अब अपराध की नगरी बनता जा रहा है, क्योंकि आगरा में आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाओं में इजाफा हो रहा है। आज दिन दहाड़े थाना हरिपर्वत इलाके में दुकान पे बैठे एक युवक को गोली मार दी गई, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आगरा में अपराध रोकने का नाम नहीं ले रहा, आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाओं में गिरावट की बजाय इजाफा हो रहा है। आगरा के थाना हरिपर्वत इलाके में एक युवक को गोली मार दी, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आज मोहम्मद इरफान अपनी दुकान पर बैठा था कि इरफान के पड़ोसी, जिनसे पुरानी रंजिश चली आ रही है, उन्होंने आकर इरफान पर ताबड़तोड़ तमंचे से फायर कर दिए और तमंचे लहराते हुए फरार हो गए। वहीं मौके से पुलिस को एक तमंचा भी मिला है, जिसमें एक गोली इरफान की पीठ में लगी। आनन फानन में घायल इरफान को आगरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों का कहना है कि पड़ोसी अयो और कल्लू से पुरानी रंजिश चली आ रही है, उसी के चलते उसकी हत्या की गई है। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि उनके पड़ोसी हयो और कल्लू ने उनको गोली मारी है, जिनसे बरसों पुरानी रंजिश चली आ रही है। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में भी ले लिया है और जल्द ही इस पूरी घटनाक्रम की खुलासा करने की बात भी कही है। हरिद्वार की भादराबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। चेकिंग के दौरान 2,61,000 रुपए के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों ही आरोपी पश्चिम बंगाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हरिद्वार थाना भादराबाद पुलिस को रूटीन चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस भादराबाद में लोहे के पुल पर रूटीन चेकिंग कर रही थी, तभी बीएचएल की तरफ से आने वाले 3 लोग पुलिस को देखकर भागने लगे। शक होने पर जब पुलिस ने उन्हें पकड़कर तलाशी ली तो उनके पास से पुलिस को 2,61,000 रुपए नकली बरामद हुए। पकड़े गए तीनों ही आरोपी फजूल शेख, बदुसू शेख और सूफी शेख पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। पुलिस का कहना है कि तीनों आरोपी से पूछताछ में जानकारी मिली है कि आरोपियों ने 3,00,000 नकली नोट किसी रहीम नाम के व्यक्ति से पश्चिम बंगाल में लिए थे।
बांग्लादेश से ये नकली नोट पश्चिम बंगाल आए थे और पश्चिम बंगाल से रहीम नाम के व्यक्ति से इन आरोपियों ने 3 लाख रुपए लिए थे और 3 लाख रुपए में से लगभग 40,000 रुपए ये लखनऊ और हरिद्वार में चला चुके हैं। एग्जाम देकर स्कूल से लौट रही 10वीं की छात्रा के साथ रामगढ़ में हुई गैंगरेप की कोशिश। नैनीताल के रामगढ़ ब्लॉक के हरिनगर गांव में एक स्कूली छात्रा के साथ गैंगरेप की कोशिश की गई है। छात्रा 10वीं में पढ़ती है और कल शाम स्कूल से परीक्षा देकर लौट रही थी, तभी रास्ते में पड़ोस के ही गांव के रहने वाले 3 लड़कों ने उसे दबोच लिया और उसके साथ जोर जबरदस्ती शुरू कर दी। छात्रा के शोर मचाने पर कुछ लोग वहां पहुंच गए और उन्होंने छात्रा को लड़कों के चुंगल से छुड़ाया। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। बाद में इस घटना की जानकारी राजस्व पुलिस को दी गई। सूचना पाकर नैनीताल के तहसीलदार ने टीमें गठित कर आसपास के गांवों में आरोपियों की तलाश शुरू कर दी और देर शाम तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। तीनों आरोपियों को जिला एवं सत्र न्यायालय ने फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मोहाली टेस्ट में जीत के हीरो रहे शिखर धवन दिल्ली टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे। चोट के चलते शिखर धवन को दिल्ली टेस्ट से बाहर होना पड़ा है। शिखर धवन की जगह दिल्ली टेस्ट में सुरेश रैना को टीम में जगह दी गई है। टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टेस्ट दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर 22 मार्च को होना है। हालांकि सुरेश रैना को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में मौका नहीं मिला था, लेकिन आखिरी मुकाबले में धवन की चोट के बाद उन्हें टेस्ट में वापसी का मौका दिया गया है। दिल्ली टेस्ट के लिए टीम में रैना को शामिल तो कर लिया गया है, लेकिन अंतिम प्लेइंग 11 में रैना के खेलने पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, जहां दिल्ली में उनका मुकाबला रहाणे से होगा। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं, इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स, निर्माता सुपरटेक। आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स आज ली क्या? चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। खर्चा सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई। खर्चा बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। खर्चा अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों ले? चांस क्यों लेना है? चांस क्यों लेना? कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ, वाटरमेलन, रोज, ऑरेंज और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। महान स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी आंदोलन के सूत्रधार और अगस्त क्रांति के महानायक, देखिए समाजवाद के जनक लोहिया 22 मार्च दोपहर 2:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आज ली क्या? And then interestingly, रिफ्रेशिंग मिनी गम आज ली क्या? रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं, इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का
कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। दूर से सादा पान मसाला। कुमाऊं हो या गढ़वाल या राजधानी देहरादून का कोई बवाल, हो पहाड़ी क्षेत्र की हलचल या मैदानी इलाके का कोई सवाल, जानिए उत्तराखंड का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तराखंड सुबह 7 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 7 बजे समाचार प्लस पर। आज ली क्या इंटरेस्टिंगली? रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा मीडिया का एक महारथी जो बखूबी समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल, जिससे कभी छिप नहीं सका राजनेताओं के दिल का हाल, जो जानता है हर सच को सामने लाना, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को सिर्फ समाचार प्लस पर, खबर वही जो हमने कही। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। एक प्रदेश ऐसा जो तय करता है देश की राजनीति की दशा और दिशा, एक दूसरा प्रदेश जिसकी कला संस्कृति ही नहीं हर जर्रा है खूबसूरत, अनूठा और विशेष। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर हलचल सिर्फ समाचार प्लस पर, खबर वही जो हमने कही। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है, आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। वक्त हो चला है फाइनल रिपोर्ट का, मगर उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। श्रीलंका मुद्दे पर संसद भवन में हुई सर्वदलीय बैठक बेनतीजा रही, सपा और जेडीयू ने किया संशोधन प्रस्ताव का विरोध। बेनी को बर्खास्त करने की मांग पर अड़ी समाजवादी पार्टी, प्रधानमंत्री से मिलने के बाद बेनी ने अपने बयान पर जताया खेद। सियासी हलचल के बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मिले सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, कयासों के बीच सस्पेंस बरकरार, दोनों ने मुलाकात को औपचारिक बताया। उत्तराखंड विधानसभा में भाटी आयोग की रिपोर्ट पर मचे हंगामे के बीच बजट हुआ पेश, वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश ने 25,000 करोड़ का बजट पेश करके अल्पसंख्यकों और महिलाओं को लुभाने की कोशिश की। भारतीय आयोग की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने बीजेपी पर किया पलटवार, बीजेपी अपने शासनकाल के घोटालों की जांच सीबीआई से करवाना चाहती है तो भारतीय आयोग को कर दूंगा भंग। लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया 27 पुलों का लोकार्पण, 243 करोड़ के 31 ब्रिजों का भी किया शिलान्यास, पीडब्ल्यूडी मंत्री शिवपाल यादव भी थे मौजूद। भ्रष्टाचार को लेकर सख्त हुए कैबिनेट मंत्री आजम खान, अपने विभाग के कर्मचारियों को दिया संपत्ति का ब्यौरा घोषित करने का निर्देश।
अंबेडकर नगर में बयान दर्ज करवाने के लिए पुलिस ने मृतक को जारी किया नोटिस। रामबाबू हत्याकांड में टांडा के सीओ ने मृतक रामबाबू को भेजा नोटिस। कुंडा मामले में सीबीआई ने मृतक प्रधान नन्हे